अब देखो इस प्रश्न में क्या तरीका है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है जबकि सूर्य का उन्ताश कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, तो आपको क्या करना है, मीनार की ऊंचाई निकालनी है इसके। ठीक है, देखो आप पहले क्या करेंगे, पहले इसका अपन चित्र बनाएंगे। इसका चित्र कैसे बनाएंगे इसमें कि पहले अपन एक मीनार मान लेंगे इसमें ए बी, तो यहाँ पर ए बी की अपनी एक मीनार है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मीनार की पहले जो परछाई हो रही है वो क्या आ रही है, ज़मीन पे आएगी, तो मीनार की जो पहले परछाई है वो कौन सी हो गई, बी सी इसकी परछाई हो गई। तो प्रथम जो केस में जो सूर्य का उन्ताश कोण है वो दे रखा है 60 डिग्री। अब इसके बाद क्या हुआ, सूर्य का उन्ताश कोण घटकर कितना हो गया, ये 30 डिग्री हो गया संख्या। तो अब ये जो मीनार है उसकी परछाई कितनी हो जाएगी, बी डी हो जाएगी संख्या। अब ये दे रखा है इसमें कि जब उन्ताश कोण 60 डिग्री था और अब जब उन्ताश कोण 30 डिग्री है तो इसकी जो लंबाई है वो क्या हो गई, 40 मीटर अधिक हो गई संख्या। तो पहले इसकी परछाई थी बी सी, अब इसकी परछाई हो गई बी डी संख्या। ठीक है, तो ये जो सी डी है वो किताब को दे रखा है इसमें 40 मीटर दे रखा है संख्या। अब प्रश्न अनुसार क्या तुम्हें करना है, ये जो ए बी है तो मैं इसकी ऊंचाई निकालनी है संख्या। तो पहले लिखेंगे अपन कि माना मीनार कौन सी है, ए बी है, और जब उन्ताश कोण 60 डिग्री है तब छाया की लंबाई कितनी है, बी सी, और सी डी रेखा इसमें 40 मीटर। अभी जो बी सी है इसको अपन क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे इसके। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अपने पास दो समकोण त्रिभुज आ गए इसके, एक तो आ गया इसमें त्रिभुज ए बी सी, एक आ गया त्रिभुज ए बी डी इसके। अब क्या करेंगे इसमें कि जब भी अपन दो समकोण त्रिभुज जब अपने को प्राप्त होते हैं तो उस केस में अपन क्या करते हैं कि दोनों में जो कॉमन भुजा है संख्या, जैसे दोनों में कॉमन भुजा कौन सी आ रही है, ए बी दोनों में कॉमन भुजा आ रही है संख्या, उसको अपन निकालेंगे इसमें के। तो वही अपन अपन कर रहे हैं इसमें, तो इसमें पहले अपन लेंगे त्रिभुज ए बी सी में टेन 60 डिग्री, ये अपना क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो ये अपने क्या ए बी बटे बी सी। अब ए बी तो अपने को कॉमन दे रखा है संख्या और बी सी को अपन क्या माना, एक्स माना संख्या, और टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, अंडर रूट 3, तो ये हो गया अंडर रूट 3 बराबर ए बी बटे एक्स, तो अपना ए बी इसमें हो गया अंडर रूट 3 एक्स मीटर हो गया संख्या। देखो जब भी अपने पास दो समकोण त्रिभुज आएंगे तो दोनों में जो कॉमन भुजा होगी संख्या इसका अपन मान निकालेंगे, तो इसका मान निकालने से जो बाकी जो अननोन नंबर है वो अपने पास ऑटोमेटिक निकल जाएगा संख्या। तो यहाँ पहले अपने ए बी निकाला अंडर रूट 3 एक्स मीटर, अब दूसरा अपना त्रिभुज रहेगा इसमें ए बी डी, वापस यहाँ पर भी जो भुजा ए बी है इसको अपन निकालेंगे संख्या, तो त्रिभुज ए बी डी में क्या होगा, टेन 30 होगा संख्या, तो टेन 30 हो जाएगा इसमें ए बी बटे बी डी संख्या। अब टेन 30 का मान कितना होता है, एक बटे अंडर रूट 3 ए बी, और बी डी इसमें कितना हो गया, एक्स प्लस 40 में, ये तो हो गया एक्स प्लस 40 हो गया संख्या। वज्रों का करेंगे इसमें अंडर रूट 3 ए बी बराबर ए एक्स प्लस 40, तो ए बी हो जाएगा इसका एक्स प्लस 40 बटे अंडर रूट 3। ठीक है, इसको अपन समीकरण नंबर 2 मानेंगे संख्या। अब समीकरण 1 से भी अपने ए बी का मान निकाला था, समीकरण 2 से अपने ए बी का मान निकाला था, दोनों को अपन बराबर कर देंगे इसमें, तो ये अंडर रूट 3 एक्स बटे 1 बराबर एक्स प्लस 40 बटे अंडर रूट 3। वज्र गुणा किया, रूट 3 को रूट 3 से गुणा किया, 3x बराबर x प्लस 40, x को लेफ्ट में लिया है, 3x माइनस एक्स बराबर 40, 2x बराबर 40, तो x का मान कितना आएगा, 20 मीटर आएगा संख्या। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो BC है वो अपने पास क्या आ गया, 20 मीटर आ गया संख्या। ठीक है, अब इसमें जो ये आपको किसका मान निकालना था, AB का मान निकालना था, तो AB कितना है इसमें, अंडर रूट 3 गुणा एक्स, तो यहाँ पर अपन AB का मान निकाल देंगे इसमें, AB बराबर अंडर रूट 3 गुणा 20, तो ए बी आ गया इसमें 20 अंडर रूट 3 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मीनार है इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी हो गई, 20 अंडर रूट 3 मीटर
हो गए इसके।